आजा मैं बताऊं तुझे क्या रखा, नशा रखा। ओ जब जब बोले मुझे लगता हम तुझको सनम। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टेटस लिरिक्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, अगर आपको भी कुछ इस टाइप के लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करना है अपने फ़ोटोज़ के साथ, तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, व्हाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसकी ड्यूरेशन को आपको जितना रखना है उतना रख लेना। यहाँ पे मैं इसकी ड्यूरेशन को 15 सेकेंड कर रही हूँ, आपको जितना रखना है आप उतना रख लेना। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी वाटर मार्क को आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फिर से अपनी गैलरी में जाना है और यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, कपल्स फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको ऐसे करके आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको आपको नीचे में रख लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कटआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको आपको PNG इमेज में आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको राइट की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिरर पे क्लिक करके इस फोटो को आपको लेफ्ट साइड कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इस फोटो का ड्यूरेशन को भी आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक रख लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप वीडियो के ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे ऐड करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेना है, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, सेम फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फोटो में हम कुछ यूनिक चीज़ ऐड करेंगे, लाइक इस फोटो को हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको राइट की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सैचुरेशन पे क्लिक करके इसको आपको -100 कर लेना है। देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिरर पे क्लिक करना है और इसको भी आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपेसिटी पे क्लिक करना है, इसको आपको 45 रख लेना है। देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिनर पे क्लिक करना है, फिर से आपको लिनर पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको इस एरो को आप नीचे कर लेना है ऐसे करके। देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फोटो को भी आपको ऐसे करके जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ऊपर की ओर ऐसे रख लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फोटो का ड्यूरेशन को भी आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। देन यहाँ पे आपको फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये लाइटिंग वाला टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। गाइस, इस वीडियो में मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगी उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पे आपको इस टेम्पलेट वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिरर पे क्लिक करके इसको आपको राइट साइड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको फिल स्क्रीन पे क्लिक करके इसको आपको फुल कर लेना है। यहाँ पे आपको इस टेम्पलेट वीडियो को भी वीडियो के एंड तक रख लेना है और यहाँ पे आपको फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको फिर से फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेकेंड टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आपको फुल कर लेना है फिल स्क्रीन पे क्लिक करके। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी वीडियो के एंड तक रख लेना है। फिर से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये हार्ड वाला टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल पे क्लिक करके इसको आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है।
देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मैनुअल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने एक्सपोर्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको फिर से इसके वाटरमार्क को डिलीट कर लेना है। यहाँ पे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पे टाइप करना है। यहाँ से आपको वाइट बैकग्राउंड लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आपको ऐसे करके रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इसको आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ रख लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।